बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुजम्मिल अवान हूँ। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की खबरें लंदन से आ चुकी हैं और ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अगस्त के महीने में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये पार्टी रहनुमाओं ने तो इस बात का खुलकर इजहार किया, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने भी ये बात की और उसके बाद जो कुछ पार्टी रहनुमा नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए वो बड़े खुशगवार मोड में नज़र आ रहे थे। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हालात जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ सोच समझकर पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आना इतना कोई आसान फैसला नहीं है। और वो ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस भी चल रहे थे, नवाज शरीफ साहब के गिर्द घेरा भी तंग कर दिया गया था, उनको इक्तदार से निकाल दिया गया, तो फिर 2017 से लेकर ऑनवर्ड 2022 तक की जो पोजीशन है, इन 5 सालों में क्या पाकिस्तान का वो जो एटमॉस्फेयर है वो तब्दील हो चुका है? अब ये देखना है, क्योंकि कुछ साफियों के मुताबिक अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाते हैं अगस्त के महीने में तो इसका मतलब कि फिर हालात तब्दील हो चुके हैं, इसका मतलब कि फिर हालात पहले जैसे नहीं हैं। और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमात नहीं बनेंगे। और ये भी खबर आई कि पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, उसने नवाज शरीफ की जो ताहयात नाहली है उसको ख़त्म करने के लिए कानून साजी करने का फैसला किया। तो क्या ये भी देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक फैसला दिया, क्या उसके फैसले को पकड़ के पार्लियामेंट जो है वो मिनटों में फारिग कर देगी? क्योंकि बादियों नज़र में जो नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई किया गया, जितने भी सहाफ़ी हैं, मैं सर किसी सहाफ़ी की बात से इख्तलाफ नहीं करता, जब जिस मर्जी पढ़े लिखे किसी शख्स को लो तुसी पूछ लो, जितने भी सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में वो नवाज शरीफ की नाअहली को, इस सज़ा को एक संगीन मजाक करार देते हैं कि भाई आपने केस तो पनामा का चलाया, आपने उसको नाहल जो है वो बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो जजेज हैं, बड़े एहतराम और बड़े इज्जत के रिश्ते के साथ, अब तो खैर एजाजुल अहसन साहब भी बचे हैं, ये जो रिटायर्ड हुए हैं जजेज है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस एजाज अफजल, ये उसी बेंच का हिस्सा थे ना जिस बेंच में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो पनामा का केस चल रहा था, ये 5 रुकनी बेंच, ये उसी बेंच का हिस्सा थे, फिर जस्टिस शेख अजमत सईद। अब ये सवाल बनता है कि नवाज शरीफ साहब को जिन बुनियादों पर नाहल करार दिया गया वो बुनियादें ही गलत हैं। क्या आपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर उसको डिसक्वालीफाई कर दिया? एक छोटा सा जो टेक्निकल एरर है, बिल्कुल गलती है, कानून के मुताबिक अदालत का फैसला बिल्कुल ठीक है, बादियों नज़र में बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप किसी को उठा के 2 मिनटों में बाहर फेंक दें और आप किसी को उठा कर 2 मिनटों में फारग कर दें, मतलब यार समझ से बाहर है कि केस तो पनामा का चला, आप सर टेक्निकल ग्राउंड्स पे नवाज शरीफ साहब को सजा दें, पनामा के केस में आप उसको सजा देते, आप उनको जेल में डालते, आप उनको जहां मर्जी रखते, तो किसी को बात समझ भी आती। अब नवाज शरीफ साहब को चुके बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर डिसक्वालीफाई किया गया, और बहुत से लोग, अभी मैं अगले कुछ दिनों तक जो इंपॉर्टेंट किस्म के व्लॉग करूंगा उसमें मैं कुछ कानूनी राय भी रखूंगा, बल्कि इस पर जो है वो आपको एक बेहतर जो है वो वकील मशवरा दे सकता है कि कानून के मुताबिक ये जो फैसला है ये बहुत कमजोर बुनियादों पर दिया गया, जो नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई किया गया। अब इस केस में अगर देखा जाए तो बादियों नजर में जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था उसमें कहीं पर पनामा का जिक्र नहीं है, दूर दूर तक पनामा का जिक्र नहीं है, मतलब केस तो यार आपने पनामा का चलाया, अप्रैल से लेकर आप अगस्त तक इसको चलाते रहे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला, अगस्त के महीने में नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया गया, 2017 की ये बात कर रहा हूं, तो 2017 में ये जो 5 महीने केस चला इसमें नवाज शरीफ साहब को कहीं पर ट्रायल का मौका मिला? कहीं पर नवाज शरीफ साहब को जो है वो फ्री ट्रायल का मौका दिया गया हो, या नवाज शरीफ साहब को अपील का राइट दिया गया हो? ना तो ये केस जो है वो वहां पर गया, नैब में गया, ना ही ये केस जो है किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया, किसी इदारे में नहीं गया, डायरेक्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब को फारग कर दिया गया, तो इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, अब मैं उस बादियों नजर में उसकी तरह बात कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे बात कर रहा हूं कि अगर अदालत में ये
केस दोबारा अगर डिस्कस होता है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे वकला हजरात हैं जो ऊटपटांग हरकतें करते हैं और अदालत में जाकर कभी लाहौर हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त दे देता है, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट में दे देता है, तो वो नाम तो नहीं मैं लेना चाहता, फिर अच्छा नहीं लगता, करेक्टर असैसिनेशन होती है। तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो फिर अदालत में जाएंगे, नवाज शरीफ साहब की नाअहली जो ताहयात नाअहली है अगर वो पार्लियामेंट से ख़त्म हो जाती है तो वो फिर अदालत में जाकर ये पंगा लेंगे। और इस बार वो नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से बेंच बना दें और आप बेंच बना के बैठ जाएं, नो, अब ये नहीं होगा। अब इस मुल्क में टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो बड़ी काबिल एहतराम है हमारी अदलिया, लेकिन अब हमारी अदलिया को अपने स्टैंडर्ड्स को तब्दील करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप बार बार तीन जजेस को बिठा के मुल्क का फैसला करवाएं। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला इस मुल्क के 17 जजेस ने करना है, इस मुल्क के 3 जजेस ने मुल्क का फैसला नहीं करना। ये नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट के फैसलों को पकड़ के हाईजैक कर दें और उसको कहें कि जी इनकी तो कोई अथॉरिटीज ही नहीं है। अगर पार्लियामेंट की कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है तो फिर अदलिया की अथॉरिटी क्या है? फिर बार काउंसिल्स जो बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बार जो बात कर रही थी कि आर्टिकल 63A पे फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, तो सर क्यों नहीं बनाया जब आपकी अपनी बार इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही थी, तो आपको बनाना चाहिए था। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है इसके ऊपर तो मैंने आपसे बात की, वापसी की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब को जब इक्तदार से देखा कि जी वो फारग हुए और जब देखा कि जी इमरान खान साहब इक्तदार से हाथ धो बैठे हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की बातें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही थी और कहा जा रहा था कि जी हालात बहुत साजगार हो चुके हैं, तो अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। क्योंकि एक अमूमी तासुर था ना कि इमरान खान साहब के दौर में जो सिलेक्टिव किस्म का एहतसाब हुआ, सिलेक्टिव इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये यकतरफा था और बिल्कुल नून लीग और पीपल्स पार्टी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था, तो फिर ये बातें की जा रही थी कि शायद हालात बहुत साजगार हो चुके हैं और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे और पाकिस्तान आकर जो वो छोटे मोटे मुकदमात जो अब रह गए हैं, जिनकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत मेरी नज़र में इसलिए नहीं है क्योंकि आपने नवाज शरीफ साहब को अदालतों से सजा भी दिलवा दी, आपने उनको फारग भी कर दिया, आपने उनको इक्तदार से भी निकाल दिया, आपने उनकी हुकूमत भी ख़त्म कर दी। वो 2018 में वो आए भी नहीं, इक्तदार में भी नहीं आए, जेलों में भी चले गए, केसेस भी भुगते, पेशियाँ भी भुगती हैं, लेकिन सर निकला क्या? सवाल तो ये बनता है ना। आज वो कुछ तज्जिया कर बैठ के कहते हैं कि जी ये अमीर कैसे हुए ये, तो कल शामी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कल मुजीबुर्रहमान शामी साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में कि आप लोग जो सारा सारा दिन आप तकरीरें लेकर आते हैं बैठकर, वो जो शख्सियत बैठी थी उसका मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि वो जो शख्स है उसकी आदत है हर बंदे से बहस करना, तो शामी साहब उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो शामी साहब ने कहा कि जी तुम पढ़ी लिखी तकरीर लेके आ गए हो और भाई ये तो देखो कि मियाँ शरीफ साहब जो हैं वो शुरू से अमीर आदमी थे और जब से इक्तदार में नहीं थे नवाज शरीफ साहब वो तब से रिचेस्ट आदमी थे, तब से वो अमीरजादे थे, उनका कारोबार था, उनकी फैक्ट्रियां थी, उनकी जायदादें थी, आपने उनको क्या, आपने जो है उनको इस तरह का कुछ चपरासी समझ लिया, आपने कोई उनको गरीब सा जो है वो बंदा तसव्वुर कर लिया कि जो उनके पास कुछ था नहीं तो वो अमीर कैसे हो गए? मतलब यार मेरी समझ से बाहर है ये वो कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान में अजीब किस्म का जो है ना वो माइंडसेट लेकर आ जाते हैं टीवी पर बैठ के जी वो उन्होंने ऐसे पैसा कमा लिया, ऐसे पैसा कमा लिया। तो सर फिर बात करें, फिर तुहानू गल कर दे, तकलीफ क्यों होती है? फिर तुम गल करो इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब के ऊपर तो नहीं बात करते ये तज्जिया कर, ये जो नवाज शरीफ को जरदारी को सारा सारा दिन बैठ के गालियां देते हैं। आज वो जो टीवी चैनल्स हैं अगर आज उनका आप कंटेंट उठा के देख लें बॉल न्यूज़ का और ARY का, तो आप कहेंगे ये जर्नलिज्म नहीं हो रही, असाफत नहीं हो रही, ये साफत के साथ संगीन मजाक हो रहा है। इस मुल्क में जर्नलिज्म हुई नहीं है, तो जे जर्नलिज्म हो जाए तो FOJ लोग जड़े ने मुँह नहीं बखान के किसी, लेकिन ये पता नहीं ये कौन से लोग हैं, मैं मेरी समझ से बाहर है। तो जब इमरान खान साहब को जी जब देखा कि जी वो इक्तदार से फारग हुए और इक्तदार से फारग भी वो कैसे हुए कि इमरान खान साहब का बोझ जिन्होंने अपने कंधे पर मुसल्लत किया हुआ था, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का मजीद सबा सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, तो अब ऐसे हालात में क्यों ना इमरान खान साहब को उठा के थोड़ा साइड पर कर दिया जाए, और बिल्कुल साइड पर किया गया। जब वो अदम अतमाद के ज़रिए फारग हुए तो वो मुल्की मीशत के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा बोझ बन रहे थे
और वो फिर इदारों को गालियां देना शुरू कर दी, धमकाना शुरू कर दिया, थ्रेट करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों को ये भी बात मालूम हो चुकी थी कि अगर इमरान खान साहब मजीद इकतदार में रहे तो ये पाकिस्तान को डिफॉल्टर बनाकर जाएंगे, सत्यानाश करेंगे, क्योंकि सत्यानाश तो उन्होंने कर दिया था। वो डॉलर जो नून लीग 95 पे छोड़ के गई थी, वो डॉलर इनके दौर में 180 तक भी गया। वो पेट्रोल जो नून लीग 65 पर छोड़ के गई थी, वो इनके दौर में 150 पे गया। वो जीडीपी जो नून लीग 5.5 पर छोड़ के गई थी, वो जीडीपी इनके दौर में मनफी पर आ गया। तो मुल्की मईशत का सवा सत्यानाश ऐसे नहीं हुआ, बहुत मेहनत की इमरान खान साहब की, बहुत इन्वेस्टमेंट थी मुल्क को बर्बाद करने में। फिर इमरान खान साहब जो है जी, उनको जब बात की जाती है कि जी आपने इस मुल्क में किए कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी मैनू तो काम करने का मौका ही नहीं लभ्या। 3.5 साल इन्होंने इस मुल्क में सिर्फ गालियां दी, सिर्फ पकड़ पकड़ के एहतसाब किया कि जी उन्होंने पढ़िया उन्होंने जेल च पा दिता, उन्होंने पढ़िया उन्होंने जेल च पा दिता, बस ये काम था इमरान खान साहब को। अब जब फौरी इंतखाबात की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के जी, अगस्त में इंतखाबात करवा दिए जाए, और ये मुतालबा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको था कि शायद हुकूमत जो है वो असम्बलियों को डिजॉल्व कर देगी और मैं फिर 2.5 अक्सरियत से आ जाऊंगा और नवा आर्मी चीफ ला दांगा अपनी मर्जी दा। क्योंकि ये असल तकलीफ जो है ना वो ये हो रही है कि मेरी मर्जी दा आर्मी चीफ आवे, किसी की मर्जी दा आर्मी चीफ ना आवे, मेरी मर्जी दा आर्मी चीफ आवे। क्योंकि उनको पता है कि आगे ये जो खैर से जनरल बाजवा साहब हैं, इनके जाने के बाद अगर वो चले जाते हैं, मैं आगे जाकर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके बारे में क्या फैसला हुआ और आगे क्या फैसला होने जा रहा है। अब इमरान खान साहब को जो असल तकलीफ है ना वो ये है कि अगर जनरल बाजवा चले जाते हैं और उसके बाद कोई नया आर्मी चीफ आ जाता है, फिर भी मैं फारग हूं, फिर भी मैं खुडे लाइन हूं। उस्ताद जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इमरान खान साहब ऑलरेडी खुडे लाइन लगे हुए हैं, उन्हें आगे पीछे कोई हिसाब किताब नहीं है। उनको पता है ये जो चेहरे के ऊपर जो इस वक्त उनके वो आसार है ना, वो बता रहे हैं कि उनके चेहरे के तोते उड़ चुके हैं। उन्होंने पता लग गया कि हमें इकतदार च नहीं आना है निशानी नाल, कि पहले मैंने पढ़िया, मेरा हाथ पढ़ के मैनू लैके आए, मेरे मुँह च फीडर पाया, मेरे मुँह च फीडर पा के मैनू गोदी च बाया, तो मैनू लैके आ गए वजारत उज़्मा की कुर्सी तो पा दिता। नो, अब वो नहीं होगा, अब वो काम नहीं होगा और वो हो भी नहीं सकता पाकिस्तान में। जिसने उसकी बुनियाद रखी थी उन्हें भी पता लग गया कि असी किड्डी वड्डी गलती की थी, उनको सबको पता है। तो अब ये एवं नहीं बात कर रहे थे कि जी अगस्त में इलेक्शन करवा दो, अगस्त गया खुडे लाइन फारग, इमरान खान साहब खत्म शुद्ध। सितंबर में नए आर्मी चीफ की जी अपॉइंटमेंट के ऊपर बात होनी है, अगस्त सितंबर, अगस्त खत्म थे सितंबर शुरू, तो सितंबर के अंदर जी नए आर्मी चीफ की समरी के ऊपर काम हो जाएगा। वजारत दिफा वजीर आजम को समरी मूव ऑन करेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं आपको कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा कितने नहीं जा रहे। ऐ मैं तुहानूं लिख के कन्फर्म कर रहे हैं गल के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो कितने नहीं जा रहे। इसका मतलब ये है कि सर उनकी एक्सटेंशन जो है वो पक्की हो चुकी है और उनको एक्सटेंशन देने का हतमी और असूली फैसला कर लिया गया। जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया गया, 6 माह की उनको एक्सटेंशन मिलेगी और अगस्त तक, अगले साल 2023 के अगस्त या मार्च तक जो है वो उनको उनके ओहदे को एक्सटेंड कर दिया गया। ऐसे हालात में कि जब मुल्की सरहदों के ऊपर जो है वो एक बड़ी डिबेट हो रही है कि सवात के अंदर फिर से तालिबान का जो सर है वो तालिबान ने सर उठाना शुरू कर दिया, तालिबान का ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, तो मुल्क के वसी तर मुफाद में इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हकूमत ये बात करेगी कि जी हम समझते हैं कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और मुल्क के हालात बहुत साजगार हैं, तो ऐसे हालात में जी बाजवा साहब जड़े गए उन्होंने 6 महीने की एक्सटेंशन लग रही है। और इमरान खान साहब फिर रोएंगे, फिर पिटेंगे, फिर कहेंगे कि जी ये किस तरह हो गया, क्योंकि ये वही इमरान खान साहब थे जिन्होंने जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी मुल्क के वसी तर मफाद में। और उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था जब ये वज़ीर आज़म थे ना मौसूफ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕੇ ਵਸੀ ਤਰ ਮਫਾਦ ਮੇਂ ਮੁਲਕ ਕੇ ਸਰਹਦੋਂ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਮੁਲਕ ਕੀ ਸਰਹਦੋਂ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁਲਕ ਕੇ ਸਰਹਦੋਂ ਕਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕੇਂ पाकिस्तान में जो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको बेहतर कर सकें, पाकिस्तान में जो दफाई मामलात हैं अस्करी हकाम के ऊपर जो है वो उसके साथ बैठकर इस मामले को हल कर सकें। यह सारी चीज़ें जड़ियाँ ने इमरान खान साहब कह रहे थी। तो अब आर्मी चीफ जनरल कमर जुवेद बाजवा साहब को जी एक और एक्सटेंशन मिलने जा रही है और इस एक्सटेंशन का फैसला लंदन से हो चुका है, इस एक्सटेंशन का फैसला लंदन से हो चुका है और नवाज शरीफ साहब जो हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुक्मरान जमात की जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं उन सब का ये मौकफ है कि ये बिल्कुल ठीक है कि जी 6 महीने अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो किसी का जड़ा ना नुकसान नहीं होएगा। आगे फौज में फिर जिसने आर्मी चीफ बनना है उसने को 6-7 महीने के लिए तो बनना नहीं है, उसने 2 साल के लिए 1.5 साल इस तरह बनना है, 2 साल 3 साल। तो आगे जो है ना एक इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये खड़ा हो रहा है कि जिनका नोटिफिकेशन उन्होंने रोका था, जिनका अक्टूबर के अंदर लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर जिनका उन्होंने नोटिफिकेशन रोका था, नदीम अंजुम साहब जो हमारे DGISI हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नफीस आदमी हैं और कभी उन्होंने इस बारे में नहीं कहा कि जी मैनू मीडिया से लै के आओ, कभी वो मीडिया पर नहीं आए, कभी अखबार में उनकी कोई तस्वीर नहीं आई, उन्होंने कहा कि कोई मुझे सियासत में आने का शौक नहीं है। तो इमरान खान फिर खुडे लैंड, फिर फारग, फिर ख़त्म शुद, इमरान खान साहब उधर से भी फारग। सर ये इमरान खान साहब जो है ना उनके गिर्द जो घेरा है ना वो बड़ा बड़े तरीके से तंग किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब जो समझ रहे थे कि जी अगस्त इलेक्शन हो जाएंगे, सर नो, थोड़ी गलत फहमी है, थोड़ी भुल है कि तुसी अगस्त आओगे तो तुसी आके बह जाओगे तो तुहानू क्या जाएगा कि जी तुसी ऐ फड़ो ऐ वजारत अजमा की कुर्सी पर बैठो तो तुसी चलाओ है हुकूमत। सर अब वो हालात गए, अब वो दौर नहीं है कि तुसी आए तो तुहानू लाडलापन तुहाडा वेख्या तो तुहानू क्या कि जी तुसी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, ताबेदार हो, तुसी तो बड़ी अच्छी ताबेदारी करते हो। अब नहीं होगा, जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन देने का फैसला है ये नवाज शरीफ साहब का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का फैसला है, हुक्मरान जमात की तमाम इत्तेहादी जमातों का फैसला है, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी, फजलुर्रहमान, असपन यार वली, महमूद खान अचकजई, मियाँ इफ्तखार हुसैन, ऐसे सारे जड़े ने ऑन बोर्ड ने, ये सब ऑन बोर्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट का जो सॉफ्ट कॉर्नर है नून लीग के बारे में, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, उसके आपको असरात नज़र आएंगे कुछ दिन तक। अब आपको एक बात बताता चलूं कि नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तानी हालात को मॉनिटर कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इस टाइम पॉलिटिकल जो मामलात हैं, जो पॉलिटिकल इस टाइम जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको वो लंदन से मॉनिटर कर रहे हैं। और आज नहीं कर रहे, ये बहुत पहले का कर रहे हैं, जब से वो लंदन में है तब से वो पाकिस्तान में इन तमाम हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो है ना जी अप्रैल तक जनरल बाजवा के रिटायर होने के बाद कुछ ऐसे जर्नैल आएंगे जो इमरान खान साहब ने सोचा भी नहीं होगा। अप्रैल में जनरल बाजवा साहब के नीचे के जो जितने भी जर्नैल हैं ना, जो सीनियर रैंक के जर्नैल हैं, वो रिटायर हो जाएंगे, उसमें कई जर्नैल जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और नदीम अंजुम साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, मतलब कि वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो अगर वो आर्मी चीफ ही बन गए और तब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना है कि उन्होंने किसको आर्मी चीफ बनाना है, तो अगर वो आर्मी चीफ ही बन गए तो इमरान खान साहब फिर खुटे लाइन, इमरान खान साहब फिर फर्क, क्योंकि इमरान खान साहब ने वही हरकत की थी ना अक्टूबर च कि नोटिफिकेशन रोक दिता, वी बाई दिन नोटिफिकेशन नहीं होने दिता, तो रौला पा दिता छोटे बच्चों वर्गों, जिद पा दी कि जी मैंने तो जी वो जो जनरल फैज़ है उनको नहीं हटाना, वो क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि वो बतौर DGISI बरकरार है। अच्छा थोड़ा फैसला मनना सी फौज ने, फौज ने कहा कि जी हमने आपको DGISI के तौर पे नाम दे दिया है, आप देख लें जी मैं बुलाना। फिर बाद में जब रोला ज़्यादा पड़ा, मैं जी इंटरव्यू किए, 3-4 लोगों को बुलाया, मैंने देखा नदीम अंजुम सर आपको डंडा दिया गया था फौज की तरफ से, तुहानू कहा गया सी नदीम अंजुम का नाम जरा प्रूफ करो, तुहानू कहा गया सी नदीम अंजुम के नाते
ओके करो, नदीम अंजुम का नाम फाइनल करो, एंड रजामंदी जाहिर करो, तुम डंडा वेख के फौज का तुम ना पा तुम जरा ना जो है नोटिफिकेशन पास कर दिता। इतने तो माशाला सर आप बहादुर हैं, ओबीडियंट तो माशाला बहुत ही अच्छे हैं, ताबेदारी तो थोड़ी माशाला मैं कहना की गल, ताबेदारी तो थोड़े वर्गी को कर ही नहीं सकता। तो सर ये हालात हैं पाकिस्तान के, मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल रही है, इमरान साहब लग रहे हैं खुटे लाइन। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। और हाँ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल रही है, और इमरान खान साहब हमेशा के लिए खुटे लाइन लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।